हैप्पी दिवाली। तो दिए तो जल गए और अब हम मुंह भी मीठा कर लेते हैं। हाय, दिस इज आराधना, वेलकम टू ई बावर्ची। तो आज इस खास त्यौहार पे हम एक खास रेसिपी बनाएंगे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मलाई पूरी। ये मलाई पूरियाँ जब मैंने खाई तो मेरी फेवरेट हो गई, और जब मेरे घर में सबने खाई उन सब की भी फेवरेट हो गई, और जब भी मैंने इन्हें किसी को बना कर खिलाया उन सब की भी फेवरेट हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस खास त्यौहार पे ये खास रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये खास रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात कर लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स के। ये हमने 100 ग्राम शक्कर ली है चाशनी बनाने के लिए, और ये मैदा है 100 ग्राम, और इस मैदे में 30 ग्राम खोआ जाएगा, और अराउंड 30 ग्राम ही मलाई है मलाई। और पूरी बनाने के लिए ये हमारे पास घी है, आप इस घी की जगह ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। ये हमने 500 ml दूध लिया है, इसकी हम रबड़ी बनाएंगे, और इस रबड़ी में ये ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे, और ये इलायची है, इलायची पाउडर भी हम रबड़ी में डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, जो आपकी मर्जी वो मिला सकते हैं, और जो चाहें उसे आप हटा सकते हैं। इस रेसिपी को मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बात कर लेते हैं हम पहले पार्ट की। पहले पार्ट में हम रबड़ी बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस दूध को कढ़ाई में डाल के रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और रबड़ी बनाते टाइम पे हम दूध को छोड़ नहीं सकते हैं, कंटिन्यूअसली हमें इसे चलाते रहना है लाइक दिस, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो दूध नीचे लग जाएगा, और अगर दूध नीचे लग गया या जल गया तो फिर दूध के जो जले की स्मेल है ना, वो कुछ भी आप कर लो वो नहीं जाती। तो आपको इस चीज़ से इसे बचाना है, तो इसलिए कंटिन्यूअसली आप इसको चलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, तो दूध नीचे बर्तन में नहीं लगेगा। जब तक रबड़ी हो रही है तैयार, तब तक हम एक साइड डो को भी तैयार कर लेते हैं, और साथ ही साथ इसको हम स्टर भी करते रहेंगे, नहीं तो नीचे ये इसके दूध के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर दूध जल गया तो रबड़ी हमारी वेस्ट। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि रबड़ी में हमें चीनी नहीं मिलानी है, एक भी ना, अभी और ना बाद में। ठीक, इसमें आप केसर डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट। ओके, तो ये मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, इसमें ये 30 ग्राम मैं खोआ डालूंगी। खोआ को हम मावा भी बोलते हैं। फिर इसमें हम बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डालना नहीं भूलेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बीच बीच में चलाना ना भूलें। और ये जो हमारे पास मलाई है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, मैं नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत है। ऑलरेडी मैंने इसमें मावा, मलाई, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। और हाँ, मलाई जब भी यूज करें तो फ्रेश यूज करें, और खोआ भी फ्रेश होना चाहिए, तभी अच्छा बनता है। और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, और इन केस अगर हमें लगे कि इसमें डो हमारा नहीं बन रहा है, सॉफ्ट डो नहीं तैयार हो पा रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है हमें कि हम इसमें पानी तो नहीं मिला सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप चाहे जितनी ज़रूरत लगे तो दूध मिला सकते हैं आप। और डो ऐसे तैयार करना है कि पूरी और रोटी का जो डो होता है
उसके बीच का, ना तो हार्ड होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नो रनिंग डो नहीं चाहिए हमें। तो हमें सॉफ्ट डो चाहिए, हार्ड हार्ड डो भी नहीं चाहिए, रनिंग डो भी नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट डो चाहिए। तो हम इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो डो को अच्छे से नीट करना है और एक सॉफ्ट डो तैयार होने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट के लिए रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा कम्प्लीट। वो केसर की वजह से, केसर भी ऑप्शनल है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ केसर रंग भी देती है और स्वाद भी देती है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर यूज़ करें, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप स्किप कर।
रखेंगे, एकदम थिक नहीं करेंगे। और फिर बात करें चाशनी की, तो चाशनी आपको एक तार की चाशनी तैयार करनी है। एक तार की चाशनी वो होती है जो हम रसगुल्ले में और जलेबी में, इमरती में, ऐसी मिठाइयों में जो हम यूज़ करते हैं, वो एक तार की चाशनी होती है। तो दो में आपको फ्रेश मावा यूज़ करना है, और 100 ग्राम मैदा है तो उसमें आपको 30 ग्राम मावा, 30 ग्राम मलाई यूज़ करनी है। मलाई शुड बी फ्रेश, अगर मलाई फ्रेश नहीं है तो मलाई पूरी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इन मलाई पूरियों को आप 5 से 7 दिन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी इनको सर्व करें चाशनी जरूर गर्म करें। तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आखिरी एक काम करना है आपको, वो ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसे करना है प्रेस। जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी तो मेरे आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे सबसे पहले। बेल आइकन प्रेस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।